कौन है? ये हमारे नए मित्र, ये सपेरे हैं और इनके पास बहुत सारे सांप हैं। आज हम क्या खेलेंगे? कबड्डी। ठीक है। कबड्डी 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 उधो तुम जाओ। कबड्डी 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 हम जीत गए। राधा मेरा हाल तो देखो, खाना तो विमला को कम खाना चाहिए या फिर तुम लोगों को ज्यादा खाना चाहिए ताकि अगली बार थोड़ा दम लगाओ और खेल में जीत सको। आज शाम से पहले हमारी गायों के लिए ये छप्पर तैयार हो जाएगा। लकड़ियों की कुछ और जरूरत पड़ेगी। चल काना, हम वन से तनिक और लकड़ी ले आए। ये तो वही दानव है जो पहले भाग खड़ा हुआ था। तो मायावी शक्तियों के साथ लौटा था। हमला करो!
काना चलो ना कोई अच्छा सा खेल खेले। तो सोचो कि क्या खेलें? लुका छुपी। जी गुरुजी, अब ये बताइए कि कौन क्या बनेगा। मैं तो भीड़ बनूंगी। मैं भी। जानने के लिए हमें इन हाथियों के पीछे पीछे वापस जंगल में जाना चाहिए। और कौन ऐसा दुष्ट कायर होगा जो एक देवी को इस प्रकार बंदी बनाए हुए है? आओ वन के जानवरों, आओ इस ओर देखो, तुम्हारी देवी अरण्यानी अब मेरी बंदी है और तुम सब अब मेरी इच्छा के अधीन हो। दुष्ट असुर, मुझे तो तूने छल से बंदी बना लिया। हाँ देवी हाँ, और इनकी मदद से मैं धीरे धीरे मानव जाति का विनाश करूंगा। अब मैं सर्वशक्तिशाली हूँ, मैं सर्वशक्तिशाली हूँ। तू शक्तिशाली नहीं, केवल एक दुष्ट कायर है। जानवरों, टूट पड़ो इन दोनों पर। मेरे आदेश का पालन हो, वरना ये जलती मशाल इसी क्षण तुम्हारी देवी को भस्म कर देगी। अरे निर्बल कायर, तू तो मुझे अब कभी नहीं हरा सकता। तन की सारी हड्डियाँ टूट गईं, तब भी इन दोनों बालकों का घमंड नहीं टूटा। घमंड क्यों ना हो भला, हमारी इस घायल अवस्था में भी तू यहाँ नीचे आकर हमारे साथ मुकाबला करने में घबरा रहा है। बस बालक, तुम्हारा वध मेरे ही हाथों लिखा है। पीछे हट जाओ, आखिरी बार इस पर हम करेंगे। मेरे आदेश का पालन हो। अब वो ऐसा नहीं करेंगे। मुझे क्षमा करें देवी।